आपके वे आपके अपने हैं, बस इतना ही बोलूंगी। बेटा ने सब कुछ बोल दिया, ये खड़ा है आपका, आप ही लोगों का बेटा है। यहाँ जितनी समस्या का समाधान होगा, ये बेटा और ये बेटा और ये सब बेटा मिलके कराएंगे। यहाँ जितने खड़े हैं मेरे जीजा तुम ही खड़े हैं, इससे बड़ा बात कुछ नहीं। विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप में है वैष्णो देवी मंदिर, मेरे जीजा जी का है यहाँ पे, श्री रामेश्वर दयाल गौतम जी का। मैं उनकी सगी साली हूँ, और साली ही नहीं हूँ, मैं बच्ची हूँ। उनका मेरे प्रति अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार है, तो मैं आप लोगों से सबसे प्यार लेने आई हूँ। बहनें मेरी, बहन बहनों ही मेरे को बच्ची जैसा प्यार करते हैं, और मैं आप लोगों के बच्चों को, मैं अपनी बहन के बच्चों को अपने कलेजे का टुकड़ा मानती हूँ। मेरा इस गांव से रिश्ता पुराना है। तैयार हुई है बिजली पे, जिसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना होगी। आपको पता है क्या निर्णय लेना है, कैसे अपने ब्रज क्षेत्रों को बेहतर बनाना है, और कैसे अपने युवाओं का विकास करना है, आपके बच्चों का, आपके भाइयों का, आपकी बेटियों का, सबका विकास करना है। क्योंकि एस के शर्मा जी पिछले 40 साल से विकास कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सबके साथ और सबके लिए। ये कोई अभी 5-10 साल की बात नहीं है। चाहे वो आँख बनवाने हो, निशुल्क 1,00,000 लोगों की आँख बनी है पूरे मथुरा जिला में, ठंडियों में कंबल और जैकेट बंटवाने हो, युवाओं के लिए क्रिकेट किट बंटवानी हो, बालिकों का विवाह कराना हो निशुल्क, चाहे आपके किसान भाइयों के आलू धरने हो कोल्ड स्टोर पे, सब कुछ, सारी व्यवस्था आपके श्री लोकप्रिय नेता माननीय एस के शर्मा जी करते हैं और आपके साथ रह के करते हैं। सुबह की राम राम, संजय की राम राम। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने माननीय सरदारी और 3600 बिरादरी के भाइयों और बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस गर्म जोशी से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है, हम ऐसे ही चुनाव जीत गए हैं, आपका आशीर्वाद वैसे ही मिल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गर्म जोशी के लिए। आज एटीवी में आज हम सबको पता है हम यहाँ क्यों जुड़े हैं। हम यहाँ आपके लोकप्रिय नेता और समाज सेवी माननीय श्री एस के शर्मा जी का समर्थन करने के लिए जुड़े हैं। वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं मथुरा वृंदावन से, सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीर्वाद और बांके बिहारी लाल जी की कृपा से आपकी सेवा करने के लिए। अब बस चंद ही दिन रह गए हैं चुनाव में, तो मैं आपसे कोटि कोटि निवेदन करता हूं कि आप भारी बहुमत से और फुल सपोर्ट से अपने लोकप्रिय उम्मीदवार श्री एस के शर्मा जी को 10 तारीख को हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट दे के नैया पार कराइए। और आपकी जितनी दुविधा है, जब हम यहाँ आ रहे थे हमने देखी जितनी दुविधा है, यहाँ पे सड़क सही से नहीं बनी, यहाँ पे सही से पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे खरंजे घरंजे नहीं है, जो आपके जितना विकास होना था पिछले 5 साल में, जो विकास नहीं हुआ है, जो बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हुई है, बल्कि घट और गया है, वो सब आपके स्थानीय लोकप्रिय नेता श्री एस के शर्मा जी कराएंगे। क्योंकि वो यही रहते हैं, ये उनकी कर्म भूमि है, उनका कार्यालय गोविंद नगर पे है, वो वहीं सोते हैं, वहीं सबकी सुनवाई करते हैं, वहीं उनका सारा दरबार लगता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको लखनऊ, दिल्ली, लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जनता जनार्दन सब जानती है कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है। ये विकास हुआ है कुछ भी नहीं। आपके बिजली के बिल बढ़े हैं, आपके मीटर बढ़े हैं। मात्र वृंदावन विधानसभा बसपा प्रत्याशी एस के शर्मा के पुत्र ने एटीवी के पीछे की कॉलोनियों में किया जनसंपर्क एवं कॉलोनी वासियों को दिया आश्वासन। विकास कहा कि अगर एस के शर्मा जी की जीत आती है तो इन कॉलोनियों का विकास सबसे पहले कराया जाएगा। इन कॉलोनियों में ना तो आने के लिए रास्ता है और ना ही पानी की सुविधा है। वहीं एस के शर्मा के पुत्र ने कहा कि हमें आपका समर्थन चाहिए, हम विकास कराएंगे। बसपा प्रत्याशी माननीय एस के शर्मा जी का सुपुत्र हूँ। आज हम यहाँ एटीवी में और यहाँ पे इतनी गर्म जोश से हमारा स्वागत हुआ है कि हमें हम चुनाव ऐसे ही जीत चुके हैं। आज हमने यहाँ पे चर्चा की है जो यहाँ पे विकास नहीं हुआ है पिछले कई वर्षों से। जैसे यहाँ पे आपके रोड नहीं बने हैं, आपके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का मामला पैदा कर गए, यहाँ की माता और बहने आधे आधे फुट हाई हाई फुट तक पानी में चलती है तो, और यहाँ पे पीने पानी की बहुत कमी है। बेटी की इतना भव्य बना है, उसके पीछे ऐसी स्थिति है वो हो रही है ये कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे लाइट की कमी है, मतलब कोई विकास बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है माननीय एस के शर्मा जी को जो बसपा प्रत्याशी है, चुनाव उनका हाथी है और उनका निर्णय आज यहाँ पे हो चुका है। जिस तरीके से गर्म जोशी से उन्होंने हमारा स्वागत किया है तो इनकी कृपा से और मथुरा वृंदावन के वासियों की कृपा से इस बार एस के शर्मा जी की नैया पार है। हम आपको पूरा कराएंगे।